आज हम देखेंगे जो इग्नू 2018 का बीएड सिलेबस है वो क्या है। तो आप भी ये जान सकते हैं, डायरेक्ट आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए इग्नू बीएड सिलेबस 2018। तो हम इसे क्लिक करते हैं और ये आपके सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इतने सारे जो रिजल्ट्स देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जाना है और ये एज वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया होता है सिलेबस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। तो अब हम इस पर जो 2018 का लेटेस्ट सिलेबस है इग्नू का वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, एग्ज़ाम डेट कब है, नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी सिलेबस, तो सिलेबस पर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर जो इग्नू 2018 का एंट्रेंस एग्जाम पेपर पैटर्न किस तरीके से वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपरली सिलेबस दे रखा है विथ मार्क्स, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होते हैं इसमें ए एंड बी, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टाइम आइटम जो है विल बी 100 ऑफ 1 मार्क्स ईच एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द टेस्ट इज 100, द कंपोजिट टाइम फॉर द कंप्लीटर इज 2 आवर्स, 2 घंटे का समय दिया जाता है। आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। एस्पेक्ट्स क्वेश्चन, पार्ट ए जो है जो 2 पार्ट में है आपका, तो पार्ट ए में आएगा सेक्शन A1 जिसमें है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10 और मार्क्स भी है 10। सेकेंड है सेक्शन लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मार्क्स भी 20 है। सेक्शन 3 है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का। सेक्शन 4 है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का। तो अब देख लेते हैं, ये तो हो गया पार्ट ए, तो अब देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में है सेक्शन 5 शुरू होता है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, एनी वन किसी में से आप एक लेंगे, जो आपने 12th तक पढ़ रखा है और 10th तक पढ़ रखा है उसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इस पार्ट बी में से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, यह 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होता है। अब हमने तो देख लिया किस तरीके से सिलेबस है, और अगर आपको इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको 2018 का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, सब्जेक्ट्स बताए कि कौन कौन से हैं, किस तरीके से आपके पेपर्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके जो अंदर्स हैं, अंदर के जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, कौन कौन से कंटेंट हैं जो आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, उसके अंदर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बेसिक ग्रामर, तो ये 4 हैं। और अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग आएगी, उसमें से आएगा आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल। जो आपका ये सारा है रीजनिंग, ये मैं अभी करवाऊंगी, अभी कुछ दिनों में मैं अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारे चैप्टर्स लाऊंगी जो आपका यहाँ पे लिखा है, जैसे एनालॉजी लाऊंगी, कैलेंडर, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे मैं लेके आऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको करके बताऊंगी सॉल्व करके, और उसमें ट्रिक्स होंगी जिससे आप आसानी से कर सकेंगे। तो अब बाकी आगे नीचे देखते हैं इग्नू बीएड जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस देखते हैं क्या क्या, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, तो आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स से कंटेंट है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है आपका, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस, करंट अफेयर्स आते हैं, जो करंट अफेयर्स है और सोशल साइंस, ज्योग्राफी, और अभी मैं इसके लेसन दूंगी और करंट अफेयर्स के अभी मैंने डाल दिए हैं तो आप देख लीजिए, धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस जो है कवर करूंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी हो अच्छे से हो सके। तो आइए अब हम नीचे देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसका सिलेबस देखते हैं क्या इसके कंटेंट्स, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बता दूं आपको डाल दिए हैं पार्ट करके, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे से करके टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाल दें, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। तो अब मैं इसके कंटेंट बता देती हूँ, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, आगे है चाइल्ड
चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन इंडिया एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटीज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग एंड पैडागॉजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटीज टीचिंग एबिलिटी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप वीडियो को आगे और पीछे करके भी देख सकते हैं अगर आपको ना समझ में आया हो, और आप इस वेबसाइट पर भी जाकर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था आप जा सकते हैं। तो अब है यहाँ पर सब्जेक्ट अवेयरनेस, जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है उसमें यहाँ पर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट अवेयरनेस सेक्शन विल आस्क 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं आप देख लीजिए, जूम कर देती हूँ मैं, और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, तो आप सिलेबस देख लीजिए और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए अपने एग्जाम्स की। तो मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज लाते रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो अब मैंने आपको ये बता दिया सिलेबस, आप PDF से डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, और आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम डेट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो टाइम से मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है या आपको कोई आंसर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।